ओके, जो आज हम लोग शुरू करेंगे दैट विल बी द फर्स्ट टेस्ट सेट वन ऑफ द 12th ऑफ एपीएसएसडी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। सो इसका जो जीएस वाला पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लोगों का शायद टेस्ट हो गया होगा, तो इसका आंसर की जो है आज हम लोग देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया क्या गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इंटू टू ब्रांचेस, और वो दो ब्रांचेस क्या क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, was done by whom? J.M. Keynes, Milton Friedman, Ragnar Fish और Adam Smith. तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली इसका जो आंसर होता है उसका होगा Ragnar Fish. तो हम देखते हैं कि एक्चुअली आंसर है क्या। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, नेशन एज ए कंज्यूमर, मतलब पूरा जैसे हम लोग अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का पूरा नेशनल इनकम, इंडिया का कैसा मॉनिटरी उनका क्वांटिटीज है, इन्फ्लेशन फॉर द होल नेशन। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, इंडिविजुअल स्केल। इंडिविजुअल स्केल में मतलब एक कंज्यूमर का डिमांड कैसा है, एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, एक कंज्यूमर क्या क्या मांगते हैं, तो ये सब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर में। हम लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट और एकलौता इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं, और ये जो इकोनॉमिक्स को सेपरेशन कर गया मैक्रो और माइक्रो के बीच में, ये किया गया था रैग्नर फ्रिश से, कब, 1993, और वो नॉर्वे के आदमी थे। सो ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस आदमी ने दो सेपरेट भाग में डिवाइड कर दिया था, वो है रैग्नर फ्रिश। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल गुड्स। Please everyone mute yourself. So capital goods refers to goods which, मतलब पूछा क्या है, जो capital good जिसको हम बोलते हैं, capital good का मतलब क्या होते हैं। First option, they serve as a source of raising further capital. Capital मतलब हम लोग जिसे बोलते हैं business का मूलधन जिसे बोलते हैं capital, ये पहला option दिया गया है। दूसरा क्या दिया है, help in the further production of goods. तीसरा वाला दिया गया है, डायरेक्टली गो इनटू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब ह्यूमन को जो चाहिए वो डायरेक्टली मिलता है ये सब गुड्स से। और लास्ट में क्या होता है, कैपिटल गुड्स फाइंड मल्टीपल यूजेस, मतलब जिसको हम बहुत कम में यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए इसका जो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है उसका आंसर होगा हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो देखो ये तो बुकिश टर्म हो गया, सिंपल टर्म में क्या होता है, मतलब देखो जैसे कि तुम लोग एक बिजनेस चला रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। अगर तुम कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस चला रहे हो और वो बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए तुम्हें हर महीना, हर दिन या फिर हर वीक में सामान खरीदना पड़ता है, तुम जो वो सामान खरीदते हो, वो सामान जो तुम फर्दर सेल करते हो खरीदने के बाद, वो सब सामान को हम क्या बोलते हैं, हम लोग कैपिटल गुड बोलते हैं। अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के खुद खा गए तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू गुड्स, जो हम लोगों का कंजम्पशन गुड भी बोला जाता है। सो कैपिटल गुड मतलब वही होता है जो तुम्हारा इनकम जेनरेट कर सके, या फिर तुम्हारे पास जो एसेट है, एसेट और लायबिलिटी जो होता है ना, एसेट मतलब संपत्ति, जो तुम्हारा एसेट का अमाउंट इंक्रीज करे, या फिर जो तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाए। जैसे कि और एग्जाम्पल देना है तो तुमने एक मोबाइल खरीदा या फिर लैपटॉप खरीदा, वो तुम्हारा एक कैपिटल गुड है जो तुम्हें अभी जैसे कि जूम मीटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसको मैं फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ये वाला पार्ट क्लियर है सबका, कैपिटल गुड्स क्या है। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन में जाते हैं, एनएनपी। सो एनएनपी का मतलब तुम लोगों का क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो उसका मतलब क्या है, मतलब देखो हमें सब लोग पता चलता है, मतलब सुनते रहते हैं जीडीपी, ये वाला तो हम सुनते रहते हैं। तो जीडीपी एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री कितना उसका टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। टोटल उन लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया एक साल में, मतलब विद इन ए फिक्स पीरियड, एक साल दो साल जो माने। सो उसका जो फिक्स पीरियड है, वो फिक्स पीरियड में उसने कितना इनकम किया, क्या फिर कितना उसका प्रोडक्शन हुआ एक कंट्री में, ठीक है। और अगर वो चीज से हम लोग क्या देखते हैं, वो हो गया जीडीपी, और
इससे मतलब ये जीडीपी से, मतलब देखो जैसे कि मशीन हो गया, एक मशीन प्रोड्यूस किया, सो उस मशीन का क्या होता है, धीरे धीरे उसका लॉस होता है, वेयर एंड टीयर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। सो जीडीपी से अगर हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमें ऐसे मिलता है एनडीपी, वो अलग टर्म है। लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है तुम लोगों का एक देश में, उसके पहले हमें जानना होगा एक और टर्म, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। जीएनपी मतलब क्या होता है, एक देश में तुम लोगों का मतलब देश के अंदर कितना, मतलब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये जीडीपी जो होता है, जीडीपी ये है, और जीडीपी में हम लोग क्या देखेंगे, देश के बाउंड, मतलब जीडीपी में हम लोग देश के अंदर या बाहर जितना इनकम होते हैं सब काउंट करते हैं, और जीएनपी में हम क्या काउंट करते हैं, जो सिर्फ एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर एक साल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो जीडीपी से अगर हमने, जैसे कि बाहर वाला कंपनी तुम ले लो टोयोटा, टोयोटा ने यहाँ जितना इनकम कर रहा है हम उसको माइनस कर दिया, सो इनकम बाय फॉरेनर्स माइनस कर दिया। और ऐसा भी तो है, बहुत सारा हम लोग का एनआरआई इंडिया के बाहर है, सो वो लोग भी कुछ इनकम करता है और इंडिया भेजता है, सो हम लोग वो भी ऐड कर देंगे, इनकम बाय एनआरआई मान लो, ठीक है सिंपल टर्म में। सो ये हो जाता है तुम लोगों का क्या, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट का जीएनपी से अगर हम लोग थोड़ा डेप्रिसिएशन वाला माइनस कर दे तो हम लोगों का क्या आएगा, मतलब जो वेयर एंड टीयर का लॉस है उससे आता है हम लोगों का एनएनपी, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। और अगर वही नेट नेशनल प्रोडक्ट हम लोग फैक्टर्ड कॉस्ट, मतलब इससे एनएनपी से अगर हमने, ये फॉर्मूला याद रख लेना ठीक है, बाद में देख लेना, ये फॉर्मूला बाद में बहुत काम आता है, छोटा मोटा फॉर्मूला धंधे में। एनएनपी से हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमने जितना भी उस पर टैक्स लगाया, जैसे आजकल जीएसटी है, ये सब फैट सर्विस टैक्स से माइनस कर देते हैं, और उसमें अगर हम लोग जितना भी सब्सिडी जो देते हैं ना, मतलब माफ करते हैं, जैसे सिलेंडर में रहता है इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देते हैं, वो अगर हम लोग माइनस करके ये सब्सिडी ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। तो ये टोटल नेशन का इनकम है विद इन ए फिक्स पीरियड। सो ये मैं क्यों डिटेल में बोला, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये तो हम लोगों का हो गया, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हो रहा है वो हम कैसे मेजर करते हैं, पर कैपिटा इनकम वो नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो होता है, वो वन ऑफ द टर्म होते हैं, बट उससे हम रेट ऑफ ग्रोथ पूरा नहीं मिल पाते हैं, और नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो पॉवर्टी लाइन है जिसके बिलो आदमी को हम बीपीएल आदमी बोलते हैं, कितना बीपीएल आदमी को हम लोग लाइन के ऊपर ला पाए, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। सो नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर, और नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्यों होता है, ये जो एनएनपी मिला, एनएनपी से अगर हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके सब्सिडी ऐड कर दिया तो हमें मिलता है नेशनल इनकम। ये क्या मीन करता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन ए कंट्री, एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ इन ए कंट्री, कंट्री के टेरिटोरी के अंदर। ये सबको क्लियर है, प्रॉब्लम है इसमें कुछ तो और समझा दूंगा, बोलो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, नहीं हो रहा है तो आगे चलते हैं ठीक है। रबर राइस पैक्ट ऑफ 1952, ये एक अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक में है, क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो ऑप्शन क्या दिया है, रबर और राइस पैक्ट। रबर कहाँ कहाँ होता है, ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, राइस कहाँ होता है, साउथ एशियन एशिया में होता है, तो ये तो फिक्स है कि ये ऑप्शन सारे प्रोबेबल है, इंडिया में भी राइस होता है लेकिन इंडिया रबर के लिए जाने नहीं जाते हैं ठीक है। सो ये हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो चाइना एंड श्रीलंका है, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसका कारण क्या था, जब 1952 में श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था जो अभी भी चल रहा है, मतलब अभी फिर से आ गया जैसे, तो तब चाइना ने इसको मदद किया था, कैसे मदद किया था, तो वो लोग चाइना को, मतलब चाइना श्रीलंका को जो राइस
बेचते थे बिलो मार्केट प्राइस में, कम दाम में चावल बेचते थे और उन लोगों से ज्यादा दाम में रबर खरीदते थे ताकि उन लोगों का इकोनॉमी का थोड़ा अच्छा हो सके। तो ये वाला पैक्ट 1952 में रबर राइट्स पैक्ट हुआ था चाइना और श्रीलंका में। और रबर क्यों? क्योंकि श्रीलंका का उस टाइम में एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बस रबर थे और कुछ नहीं थे। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का इकोनॉमिक्स का टर्म हो गया। अभी हम लोग देखते हैं पॉलिटी, पॉलिटी वाला क्वेश्चन जो है। सो क्वेश्चन क्या है? गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल ए डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, अपॉइंटिंग द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिकमेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड रिटर्निंग ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन। सो इसमें क्या होता है? ये जो सी और डी ऑप्शन है, रिकमेंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड रिटर्निंग ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर में आता है, जो गवर्नर बिना किसी के एडवाइस से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दोनों तो हम लोगों का डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया, सी और डी। तो हम लोग का ऑप्शन क्या बचा? ए और बी। अब देखो, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसको गवर्नर मतलब एक कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद उसको चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डायरेक्ट हाथ नहीं है। तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन हम लोगों का कौन सा बचा? डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे भी गवर्नर का जो पोस्ट है वो मेनली ही हैज टू रन बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज गवर्नर ऑल्दो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया है कि गवर्नर विल ऑलवेज हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इसमें हम एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेट अप। सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सुप्रीम कोर्ट जो था ये अभी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हेलो ठीक है, सर, हाँ यस, हाँ बोलिए। सर ये गवर्नर जब प्रेसिडेंट रूल लागू कराते हैं ना सर, हाँ तब तब वो सर अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते क्या सर, वो बिना डिसॉल्व एडवाइस का? कर, ये नहीं, उसके लिए उसको मतलब रेकमेंडेशन करना होगा। एग्जीक्यूटिव जो है हम लोगों का, एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन लोगों के रेकमेंडेशन के बिना अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में है, जिसको तुम लोग मतलब उसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में वो मेजोरिटी पार्टी है, गवर्नर अपने हिसाब से उसको नहीं निकाल सकता है जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस आएगा वो मानने के लिए गवर्नर इज नॉट बाउंड। ठीक है, क्लियर है ये? सर, दोनों अगर दोनों पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो, मतलब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तब क्या हाँ, होगा सर? तब गवर्नर अपने डिस्कशन में काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। क्लियर है? ठीक है। सो अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये वाला बोला ना, अभी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, सो इसमें क्या बोला गया है कि ये कब सेटअप किया गया था, कौन सा एक्ट के थ्रू? तो हम लोग अभी देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ये ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ बाकी लोग ऑप्शन क्यों नहीं है। पीस इंडिया एक्ट हो गया। पीस इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? मेनली जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एक शुरू हुआ था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक और, मैं अभी उसका नाम भूल गया, सॉरी। सो उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट हुआ जहां पे पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेपरेटेड। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई बात था नहीं। और चार्टर एक्ट जो था उसका मेन जो पॉइंट था उसमें क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीज है फर्दर 20 ईयर्स एक्सटेंड हो जाएगा, ये 1813 होगा, सॉरी टाइपिंग है, टाइपिंग मिस्टेक। और इन लोगों का जो ट्रेड मोनोपोली है, टी और चाइना ट्रेड को छोड़ के सब ट्रेड मोनोपोली ये लोग खो देगा। ये 1813 का मेन मकसद था। और 1833 एक्ट जो था उसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट कर दिया गया था और ट्रेड मतलब चाइना ट्रेड और टी ट्रेड जो था उसका मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी खो दिया, ये मेन पॉइंट था। लेकिन जो 1773 एक्ट था जिसमें पहली बार तुम लोगों का गवर्नर पोस्ट लाया गया था, तो उसी में फॉर जुडिशियल पर्पजेस, तभी तक तो लॉ का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, जो वायसराय बोलता था वही लॉ था, तो उसी को मेंटेन करने के लिए कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, वो बाद में वो शायद हाई कोर्ट या फिर एक
सेशन कोर्ट बन गया, लेकिन पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। फिर अभी वाला जो सुप्रीम कोर्ट आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद हम लोगों का जो फेडरल कोर्ट था तभी नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट का आज के बिल्डिंग में आया और इंडिपेंडेंस के बाद से उसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अभी देखो व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो पंचायती राज मतलब जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, नॉट ओनली पंचायती राज, उसमें उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज भी है अर्बन एरियाज के लिए, लेकिन ये गांधी का एक सपना था ग्राम स्वराज। तो गांधी जी का वो आइडियोलॉजी लेने के लिए पहले पंचायती राज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड किया गया था, ताकि कोई स्टेट अगर उसको मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तब भी नहीं मान सकता है। इसीलिए 1947 से 1986 तक कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था पंचायती राज का। अलग अलग कमिटी है, जैसे बलवंत राय मेहता कमिटी एक था, अशोक मेहता कमिटी था, वो लोग सब कमिटी ठीक था, लेकिन उन लोगों का रिकमेंडेशन मतलब कंपलसरी नहीं था। लेकिन एक कमिटी आया एल एम सिंघवी कमिटी, उसके रिकमेंडेशन के बाद जो 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में, उसमें पंचायती राज को कंपलसरी कर दिया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना दिया गया। और कौन सा पार्ट? पार्ट 9, नया जो एक पार्ट क्रिएट कर दिया गया वो पार्ट 9 में ऐड कर दिया गया, और इट कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 to 243 O। और 74th जो अमेंडमेंट आएगा वो होगा अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, और वो पार्ट 9A ऐड करेगा इसमें, और वो आर्टिकल होगा आपका 243P से 243ZZ तक, Z फॉर ज़ेब्रा, G फॉर गोट। ओके, सो 243ZZ तक वो अर्बन लोकल बॉडीज क्रिएट कर दिया जाएगा। सो 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट इंक्लूडिंग और दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, वो है 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट। ठीक है, सो 42nd, 44th, 73rd एंड 74th, ये चारों हमें याद रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोगों का आएगा हु हैज द पावर टू पार्डन इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है? डेथ सेंटेंस, पनिशमेंट बाय डेथ। सो ये जो कोई अनाउंसमेंट कर दिया गया तो उसको पार्डन, पार्डन मतलब सिर्फ डेथ सेंटेंस चला नहीं जाएगा, वो आदमी कंप्लीटली उसके ऊपर जो भी चार्जेस था ही विल बी ए फ्री मैन। पार्डन का मीटिंग है वो कम्यूटेशन होता तो एक लोअर फॉर्म मिलता है, ऐसा ऐसा है कम्यूटेशन, रेमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, अलग अलग फॉर्म का पार्डन टाइप का मतलब ग्रेस होता है। सो एक चीज तुम लोग याद रखना, कैपिटल पनिशमेंट को कंप्लीटली हटा सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, वो पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कंप्लीटली, जैसे कोई आदमी को डेथ सेंटेंस मिला है उसको कंप्लीटली एक फ्री आदमी बना सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस तुम लोग याद रखना। हाँ सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर सपोज कैपिटल पनिशमेंट दे दिया किसी को, तब भी प्रेसिडेंट तब भी सर कैपिटल पनिशमेंट पार्डन कर सकता है क्या तब भी? हाँ, वो प्रेसिडेंट के एक डिस्क्रिशनरी पावर में से एक है, लेकिन उसमें थोड़ा मिनिस्टर का एडवाइस भी काम चलता है। लेकिन वो जब प्रेसिडेंट मतलब पार्डनिंग पावर यूज करते हैं तब वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट करता है जो जुडिशियरी के बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सबको मतलब ये पार्डन कर सकते हैं। पार्डन मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्व। ठीक है, सो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 72, ये वाला याद रखना। आर्टिकल क्यों याद? क्योंकि स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर बहुत पूछते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे कैसे? सो याद रखना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्टकट मान सकते हो तुम लोग पार्ट कौन सा, हर एक पार्ट याद रखना। जैसे कि फंडामेंटल राइट, पार्ट कितना हो गया ये? 3। पार्ट 3 का तुम लोग देखना आर्टिकल 12 से 35। इंडिविजुअल आर्टिकल याद रखने की जरूरत है नहीं, तुम लोग 12 to 35 पता चलना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है। ऐसे भी तुम लोग इस बारे में तुम लोग क्या देख सकते हो इस केस में, मतलब यूपीएससी के केस में, पार्ट
14, पार्ट 14 में तुम लोगों का क्या है, स्टेट एंड यूनियन सर्विसेज। ये कहां से कहां तक है, 308 से लेके 323 नंबर आर्टिकल तक है। इसमें स्टेट सर्विसेज और यूनियन सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। तो इसमें से हम लोग ये दोनों तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये दोनों होगा ही नहीं। और ये वाला आर्टिकल देखो, अगर 308 मतलब उसमें सर्विसेज है और 315 से यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का शुरू होता है। सो देखो, एक तुम लोगों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एस्टैब्लिशमेंट हमेशा आर्टिकल पहले ही होगा। वो आर्टिकल 315 में शुरू होने के बाद अचानक 320 में नहीं बोलेंगे कि देयर विल बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले शुरुआत ऐसे होगा कि देयर विल बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धीरे धीरे उसका पावर्स बताए जाएंगे। सो पहला वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 315, वही वाला होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पॉलिटिकल क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन। हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप शिव, पार्वती एंड विष्णु, मदर गॉडेस एंड पशुपति, विष्णु एंड मदर गॉडेस, पशुपति एंड विष्णु। सो इसमें से तुम लोग देखो, विष्णु ये तीन में है। विष्णु को मैं डायरेक्ट एलिमिनेट क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि विष्णु जो था वो एक्चुअली बाद में शूद्र, जो फोर डिविजन था, शूद्र का गॉड था, कुषाण नाम था, वो काउ गॉड था, उससे उसका इवोल्यूशन होकर कृष्ण विष्णु ऐसे ऐसे आए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देयर हैज बीन नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, सो उसमें शूद्र या फिर विष्णु का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। ये कॉमन सेंस। और हमें पता है कि उसमें एक मदर गॉडेस का स्टेच्यू मिला था, जिसमें एक वुमेन के वूम से एक ट्री स्प्राउट हो रहा है, वो मदर गॉडेस स्टेच्यू है। और एक मिला है पशुपति सील मोहनजोदड़ो में, जिसमें क्या एक योगी बैठा हुआ है विथ फोर हेड्स, और उसके साथ चार एनिमल है, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर और बफेलो, आई गेस ऐसा चार एनिमल था। तो ये दोनों एविडेंस हमें मिला है, कंक्रीट एविडेंस, और ये दोनों कॉम्पिटेटिवली फेमस एविडेंस ही है, मतलब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। सो ये वाला ऑप्शन हम लोग मानते हैं कि ये लोग इसको वर्शिप करते थे। नहीं भी हो सकता है, उन लोगों का कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी भी उसका स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो ये सब फिलोसॉफिकल चीज एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सो गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च किस वजह से शुरू किया था। दांडी क्या था, मतलब तुम लोग देखो एक चीज याद रखना, दांडी मार्च गांधी ने मेनली शुरू किया था ताकि वो सॉल्ट टैक्स, जो वन ऑफ द मोस्ट अननेसेसरी टैक्स इम्पोज बाय ब्रिटिश था, वो क्या किए थे, वो दांडी साबरमती, मतलब साबरमती से दांडी तक उसने एक मार्च निकाला था। और वो कौन सा मूवमेंट के टाइम पे था, कोई बोल सकता है क्या? सिविल डिसोबीडियंस था क्या सर? हाँ, सीडीएम था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब तुम लोग याद रखना, कैसे याद रखना, वो एक टैक्स जो सॉल्ट टैक्स एक गवर्नमेंट लॉ है, वो गवर्नमेंट लॉ को ब्रेक करने जा रहा था, वो डिसओबे करने जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये तुम लोग कैसे निकालोगे, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये याद रखने का, अगर तुम्हें पूछे कि कब शुरू हुआ था दांडी मार्च, कब शुरू हुआ था, 12 मार्च। ठीक है, ये तुम लोग सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस याद है, तुम लोग को ऐसे ही रह जाएगा 1929 से 1930 कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन महीना मार्च है क्योंकि दांडी मार्च है। ठीक है, और वो दांडी जाके एक मतलब क्या, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लेके, मतलब सॉल्ट वाटर लेके एक केटल में गर्म करके एक हैंडफुल ऑफ सॉल्ट बनाया, और दैट्स हाउ ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड फॉर्मली लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये वाला क्वेश्चन जो है, फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अकबर। सो एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये वाला क्वेश्चन में आंसर ए नहीं, आंसर होगा रहीम खान। उसका जो नाम था अब्दुल रहीम खान ई खानम, खान ई खानम मतलब खानों में से खान, मतलब बड़ा बड़ा, मतलब खानों का भी एक रेस्पेक्टेड आदमी। सो अब्दुल रहीम खान ई खानम जो था वो अकबर का एक्चुअली कोर्ट पोएट था, बीरबल नहीं था। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो ये तुम लोग मार्क कर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, ये सर थोड़ा सा सर, ये जब गांधी जी जो सर जब साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1950 सर वहाँ से वापस आते वक्त सर कौन सा आश्रम सर जो गांधी जी जो एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में फर्स्ट? पहला आश्रम गांधी जी का, जी सर,
मतलब वो तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका में किया था, वो था फिनिक्स फाउंडर, ठीक है, और तो इंडिया में आके सर वो, हाँ साबरमती ही जी था सर जहां तक मुझे याद साबरमती है। ना हाँ उसके बाद वो जब दांडी मार्च निकल गया वो पूरा एक पोएटिक डायलॉग देकर चला गया, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा मैं साबरमती तक लौट के नहीं आऊंगा, और वो वार्धा में एक आश्रम बनाए और वो लास्ट तक वार्धा में ही रहे, ठीक है, वारदा ना सर वार्धा WARDHA, वार्धा में लास्ट आश्रम था उसका, ठीक है। थैंक यू सर सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, फोर ग्रेट मठ मतलब चार धाम हम जिसे बोलते हैं अभी, वो एक्चुअल वाला चार धाम। अभी देखो चार धाम में तुम लोगों का कंफ्यूजन क्या हो सकता है, एक चार धाम है जो अभी नेशनल हाईवे का एक प्रोजेक्ट हो रहा है, हम लोगों का रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री चारों जगह उत्तराखंड में है, चारों जगह को कनेक्ट करके एक हाईवे क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो वो वाला ग्रेट चार धाम अलग है, और आदि चार धाम जो थे वो थे कौन, श्रृंगेरी पुरी द्वारका और बद्रीनाथ। श्रृंगेरी मतलब साउथ इंडिया रामेश्वरम, पुरी पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, द्वारका और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। सो ये पहले कौन बनाया था, आदि शंकराचार्य, ठीक है। आदि शंकराचार्य मतलब जिसने तुम लोगों का वेदांत फिलोसफी या फिर अद्वैत फिलोसफी जिसने शुरू किया था, आदि शंकराचार्य जो केरला से थे, और रिसेंटली उसका एक स्टेच्यू भी अनवील किया गया है हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका फिलोसफी के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आदि शंकराचार्य, और डोंट कंफ्यूज हिम विद शंकर देव ऑफ असम, ठीक है। सर आप जो ये हाँ क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं ना सर वही है ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेम है ना नहीं नहीं दोनों नहीं नहीं अलग है चार धाम वो प्रोजेक्ट, हाँ चार धाम प्रोजेक्ट एक प्राइम मिनिस्टर ने मतलब प्रोजेक्ट बनाया है कि गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो चार धाम उत्तराखंड में है वो चार धाम को कनेक्ट करके एक बनाएगा, एक रास्ता का क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ताकि उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों का देश का जो फुल चार मेट्रोपॉलिटन है, वो चार मेट्रोपॉलिटन को कनेक्ट करके जो हम लोगों का लाइन है मतलब ट्रांसपोर्टेशन है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब रेलवे का है वो रेल, ठीक है, रेल का है ना रोड का है सर रेल का है ना सर रेल का है, रेल का है गोल्डन क्वाड्र, मतलब रास्ता में ऐसा नहीं है, रास्ता में क्या है नॉर्थ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, सो मोहनजोदारो जो एक्चुअली माउंड माउंड में मिला था, जैसे जमीन का ढीप टाइप का होता है उधर मिला था, और वो जगह का जो एक्चुअल नेम है वो है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, वो एक्चुअली लोकल लोग जो थे मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में है वो लोग उस जगह को मोहनजोदारो बुलाते थे, ठीक है। सर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाँ जो नेशनल यही था जैसे लगा है रेलवे था जैसे तो नहीं लगा है हाँ हाँ नेशनल क्वाड्रिलेट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हाँ क्या है वो, वो जो नेशनल हाईवे था जैसे लगा है हाँ हो सकता है, मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तुम लोग चेक कर लेना ये बात, ठीक है। मतलब मुझे तो जितना याद है गोल्डन क्वाड्री लेते हैं रेलवे का तो है ही, वो तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे होगा, किस रिवर के ऊपर। वो रिसेंटली इंडियन रेलवे, हम लोग का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक फोटो शेयर किया था कि इंडियन रेलवे और बॉम्बे का एक एफए कुछ कंसल्टेंसी फर्म है, वो लोग मिलके ये वाला एक ब्रिज बना रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, जो आईफेल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। रेलवे वो मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, आर्च आर्च टाइप का एक ब्रिज है, तो वो कहाँ बनेगा, चेनाब के ऊपर, वो तुम लोग याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। चेनाब ब्रिज ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में होगा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इसमें रेल जा सकते हैं, एंड इट विल बी 35 मीटर्स हायर देन द आईफेल टावर, ठीक है। व्हिच ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इज कॉल्ड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब जो हम लोगों का CRPF है, CISF है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, असम राइफल्स है, और क्या क्या था, BSF है और CRPF, ये टोटल जितना भी है। तो इन लोगों को, इन लोगों में से किसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोलते हैं,
तो हम लोगों का जो सेंट्रल, मतलब पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन कभी कभी सेंट्रल भी पुलिसिंग में करना जरूरी होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सेंटर को भी पुलिसिंग करना जरूरत पड़ता है। और तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट 1939 में ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का निकाला था, जो इंडिपेंडेंस के बाद बन गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सीआरपीएफ। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस मतलब वो लोग को बस इमरजेंसी में बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों को बुलाया जाता था। ठीक है सर, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स बोलते थे ना सर, ये जितना भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, हाँ हाँ, सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स जितना है सब पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड? ये तुम लोगों का कंफ्यूजन दोनों में से हो सकता है, इंडिया या फिर ब्राजील, क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्राजील इंडिया के अगेंस्ट में केस दिया है कि इंडिया ने जो हम लोगों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं शुगर कैन को, वो ट्रेड के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन अभी भी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो है ब्राजील, और इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है, शुगर कैन का। अभी देखो यहाँ का क्वेश्चन, इनर लाइन परमिट किस किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है? तो तुम लोगों को तो पता है कि अरुणाचल में पक्का है ही, ये तो श्योर है। सो हम देखेंगे वन किस में है नहीं, तो वन नहीं है इसमें, ये वाला हम लोग पहले रिजेक्ट कर देते हैं। हम लोगों के पास रुका अभी तीन ऑप्शन, ठीक है, इसमें से तीनों में देखो 1, 2, 3 कॉमन है, सो ये तीन तो करेक्ट है ही, हमें बस देखना है कि 4 और 5 करेक्ट है कि नहीं। तो हमें एक चीज पता है, मेघालय ने CAA आने के बाद प्रोटेस्ट किया था कि उन लोगों को भी ILP चाहिए, जो रिजेक्ट कर दिया गया था, तो मेघालय में इनर लाइन परमिट नहीं है, सो पांचवा ऑप्शन भी हम लोग का गया। अभी रुका ए और सी, ए और सी में से मणिपुर है कि नहीं, मणिपुर में CAA आने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ILP उन लोगों पे भी लागू कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो फ्रूटफुल नहीं हुआ है, अभी तक वो फोर्स पे आया नहीं है। सो हम लोगों का सॉरी मणिपुर में आ गया है, इसीलिए तो 1, 2 और 3, 4 में कंफ्यूज हो गया थोड़ा। सो हम लोग जब देखेंगे कि मणिपुर में भी ILP लागू हो गया है, तो इसीलिए ऑप्शन सी 1, 2 और 3, 4, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बटरफ्लाई माइन, सो इसमें ही साफ छुपा हुआ है कि मीनिंग क्या है इसका। माइन, माइन कहाँ यूज होता है? वार मूवी देखते हो, वार मूवी या फिर कोई भी टनल वगैरह, रोड कंस्ट्रक्शन टनल बनाने में भी यूज होता है? नहीं नहीं, वो वाला माइन नहीं, माइन नहीं, मतलब वो जो फट्टा है ना पैर रख देने से, मूवी में दिखाता है जब तक पैर नहीं उठाते है वो फट्टा नहीं है, लैंडमाइन ना सर? हाँ, लैंडमाइन। सो माइन अगर है तो वो स्मगलिंग तो होगा नहीं, इलीगल सैंड माइनिंग में उसको तो यूज करेगा नहीं, और कोल माइनिंग के लिए भी उसको यूज करेगा नहीं, तो वो किसमें यूज करेगा? डिफेंस पर्पज में। बटरफ्लाई माइन मतलब एक नया टाइप का इंडिया ने माइन बनाया है जो बहुत कम वेट में भी फटता है, मतलब ये बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है, 5 kg वजन उसमें गिर गया तब भी वो बम फटेगा, ठीक है, वो माइन जो है लैंडमाइन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ये, ठीक है। सो विच रेफरेंस टू पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक, हाँ बोलो सर, ये बटरफ्लाई माइन जो सर ये आपका रशिया में हुआ ना सर, इंडिया में हुआ? ये मैं शो नहीं देखा, नहीं चेक नहीं किया, एक शुरुआत कहा पे, लेकिन मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था ये, ठीक है, इंडिया में यूज होने वाला है। हाँ, रशिया में देखा चला गया? हाँ, तो फिर हो सकता है, ठीक है, रशिया है, मैं देख, ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग ये, ठीक है। अभी देखो पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो तुम लोग ये जब देखना, एक वर्ड सो, TSO, TSO मतलब वाटर होता है, ठीक है, पानी इन टिबेटन लैंग्वेजेस, तो टिबेटन एरिया तुम लोग, टिबेटन आदमी अभी इंडिया के कहाँ कहाँ ज्यादा मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर मतलब लद्दाख में है, थोड़ा थोड़ा सिक्किम में है, तो सो जो होता है ये तुम लोगों का उत्तराखंड नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड में टिबेटियन लोग कम है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, क्योंकि धर्मशाला है उधर, लेकिन
वहां पे जो पेंगुइन सो लेक है, जो थ्री इडियट्स वाला लेक है लास्ट में जो निकलता है, अभी जो जिसको लेके इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैश हो रहा है, सो पेंगोंग सो लेक इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो ये वाला हमें पता है ये गलत है, ठीक है, ये जम लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में है, तो वन जिसमें है ये वाला वन और ये दोनों काट गया, तो आइडर टू होगा नहीं तो थ्री होगा। और उसमें एक चीज मैं उन लोगों को बता देता हूँ, टोटल जो लेक है ना उसका सिर्फ एक छोटा पार्ट ही इंडिया में है, और बाकी जो वन थर्ड पार्ट है वो नेपाल में नहीं है, वो चाइना में है, क्योंकि इसलिए पेंगोंग सो लेक को लेके इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हो रहा है, सो ये तो श्योर है कि नेपाल में नहीं है, सो ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों का गलत हो गया। तो रुका कौन सा, ऑप्शन टू ओनली, इट इज द वर्ल्ड हाइएस्ट, सबसे ऊंचाई पे रहने वाला सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, टाइगर इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ये है सच है ये, क्योंकि वो वल्नरेबल स्टेटस था, मतलब उससे भी ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी था, लेकिन बाद में हम लोगों का मिशन टाइगर जो हम लोगों का सॉरी ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, सो मिशन हम लोग का जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया उसके बाद इंडिया का टाइगर काउंट बहुत बढ़ गया, तो टाइगर का भी सिचुएशन इंप्रूव होकर वो एंडेंजर्ड में आ गया, ठीक है, वो पहला वाला ठीक है, सो आइडर वन एंड टू होगा नहीं तो वन टू एंड थ्री होगा। तो ये दोनों देख के एक बात तो पक्का है कि दो नंबर भी सही है बिना देखे, कास्पियन टाइगर, जापान टाइगर, बाली टाइगर और एक्सटिंक्ट सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जो कि है, लेकिन ये लोग हम बिना देखे ही बोल सकते हैं कि वन एंड टू, इसमें भी वन एंड टू कॉमन है, तो इसीलिए वन एंड टू सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, मानस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मानस नेशनल पार्क असम में है, और असम में अगर वर्ल्ड का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होता तो एटलीस्ट हम लोगों को पता होता है कि नहीं, सो डेफिनेटली ये वाला नहीं है। तो फिर कौन सा है, किसी को पता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? बंदीपुर है क्या सर? नहीं, नागार्जुन श्री शैलम जो है वो आंध्र प्रदेश वाला, हाँ वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नागार्जुन श्री शैलम ये वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी तरह बेसिक बायोलॉजी में आते हैं, लाइकेन हमने बचपन में पढ़ा था क्या है, बैक्टीरिया और फंगी का कॉम्बिनेशन नहीं है, फंगी एंड हायर प्लेन्स का भी नहीं है, और बैक्टीरिया और एल्गी का भी नहीं है। लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई ये दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या है कि एक दूसरे को मदद करता है सर्वाइव करने के लिए, कोई एक दूसरे का हानि नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब फोटो, फोटोन है लाइट, सो लाइट, लाइट को जो डर है, लाइट को सेंसिटिविटी, उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। और वो कौन सा विटामिन के लिए होते हैं, विटामिन B1 के लिए नहीं होते हैं, विटामिन B4 के लिए भी नहीं होते हैं, विटामिन B6 के लिए भी नहीं होते हैं, इसमें किसके लिए होते हैं, विटामिन B2। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तुम लोगों को याद रखना होगा विटामिन B12 का जो तुम लोगों का नाम है राइबोफ्लेविन, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन उसका केमिकल का नाम है। सो ये उन लोगों का एक डेफिशिएंसी होने से हम लोग का और क्या क्या बीमार होते हैं, किलोसिस, चैपिंग ऑफ द लिप्स, एंगुलर स्टोमाटिसिस, क्रैकिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ द लिप, और ये फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट। तुम लोग ये प्रीलिम्स के लिए तुम लोग विटामिन के कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होता है वो देख लेना, कॉमन क्वेश्चन है, आ जाता है B12 के डेफिशिएंसी से कौन होता है, डी से क्या होता है, सी नहीं होने से क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है, स्टेट PCS के प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूं मैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, बस प्लांट सेल में क्या है, तो हम लोगों को पता है एक लाइन तो हम लोगों को बचपन से याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये कोई भी सेल इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट या एनिमल हो वो सब में रहता है एनर्जी देने के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टेक्निकल तो हम भूल गए, ठीक है मान लेते हैं ये अभी भी इसको हम रख देते हैं। और एक चीज देखो, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब नहीं तो सेल बिखर जाएगा ना, एक मेम्ब्रेन सब में होता है, ठीक है, बाहर का जो जैसे आजकल जेली पॉड में जैसे बाहर लेयर होते हैं, तो सेल भी वो जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो बाहर एक जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट वाल क्यों सेल डिफरेंट है,
क्योंकि इसमें होता है सेल वॉल जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, और सेल वॉल की वजह से हम लोग को क्या डिफरेंस दिखाई देता है मेनली, कब मतलब हमें आंखों से दिखाई देता है सेल वॉल कैसे, क्योंकि देखो ट्री का जो बाहर वाला सरफेस है ना वो बहुत टफ है, मतलब एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी से तो टफ है ना ट्री का, वुड जो है हम लोग का, तो सेल वॉल के वजह से ये लोग बहुत रिजिड होते हैं। ठीक है सर, राइनो राइनो ये लोग का जिसका स्किन बहुत ये होता है हार्ड होते हैं, वो लोग में कौन सा होता है? वो लोगों में भी सेल मेम्ब्रेन ही होगा, लेकिन वो मेम्ब्रेन टफ होगा, लेकिन फिर भी जितना भी बोलो वो टफ हो सकता है, लेकिन ट्री जैसा तो नहीं है ना, मतलब ठीक थिकनेस भी होना चाहिए। एक ट्री तो पूरा सॉलिड बॉडी है ना, तो इतना मोटा तो राइनो का स्किन नहीं है ना, और उसमें तुम लोगों का क्या होता है कैरोटीन का एक लेयर होता है, कैरोटीन जो होते हैं हम लोग का नाखून टाइप का एक, मतलब उन लोगों का वो ये जो क्या बोलते हैं हेयर्स बॉडी हेयर्स वो बहुत टफ और बहुत डेंस होते हैं अंदर, तो उसमें उसके लिए भी उन लोगों का स्किन बहुत रफ होता है, टैंक टाइप का होता है एकदम पूरा आर्मर। ठीक है, सो येलो कलर ऑफ मैंगोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमें पता है वो ट्री का जो ग्रीन कलर है, सो ग्रीन कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, येलो कलर तो वो नहीं देता, ये मुझे पता है। और एंथोसायनिन होता है वो क्या देता है पता है, पर्पल ब्लू इस टाइप का जितना कलर, ब्लैक ये सब अगर कलर कहीं पे रहा तो एंथोसायनिन ये वाला कलर देता है, और एंथोक्सेंथिन ये वाला जो कंपाउंड है वो फ्लेवर देता है, वो कलर नहीं देता है, बस फ्लेवर का एक कंपाउंड है। और सबसे इजी है याद रखने वाला कैरोटीन, कैरोटीन कैरोट से आया है, कैरोट का कलर ऑरेंज, सो ऑरेंज येलो रेड ये सब कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, सो कैरोट में भी कैरोटीन होते हैं, मैंगोज में भी होते हैं। ठीक है, और हम लोगों के हेयर में जो होता है वो कैरोटीन होता है, वो कैरोटीन नहीं, वो अलग अलग चीज है। ठीक है, अभी देखो लूनर एक्लिप्स इज कॉज्ड बाय द शैडो ऑफ, देखो एक्लिप्स कब होता है, तीन बॉडी होता है हम लोगों का, क्या क्या, अर्थ मून और सन। तो अब देखो सन का तो शैडो गिर नहीं सकता क्योंकि वो खुद एक लाइट सोर्स है, उसके लाइट से सोर्स मतलब शैडो क्रिएट होता है। तो देखो लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स मतलब क्या, चंद्र ग्रहण, मतलब वो मून को कवर अप हो जाएगा किसी एक के शैडो से, तो हमें यह पता चल गया मून विल बी कवर्ड बाय शैडो एंड सन डज नॉट लेट आउट एनी शैडो, सन का शैडो नहीं है, तो तीसरा वाला पार्टी कौन रुका, अर्थ। सो बीच में जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में, तो सन का लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होके उसका अर्थ का शैडो पड़ता है मून में, और लूनर एक्लिप्स होते हैं। ठीक है, और सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, मून आ जाता है सर बीच में, हम सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, हम मून देखते हैं पहले। ठीक है, वो जो ढकता है सन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो इजी है, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एस्टेरॉयड बेल्ट इज ए रीजन इन द सोलर सिस्टम दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ वीनस एंड मार्स। देखो वीनस एंड मार्स तो हो नहीं सकता क्योंकि वीनस और मार्स के बीच में कौन सा एक प्लेनेट है, अर्थ, तो अर्थ आ जाता है बीच में, तो उसमें एस्टेरॉयड बेल्ट तो नहीं है, हमें ये बात पता है। ठीक है, और मरकरी और अर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच में वीनस है। ठीक है, और जुपिटर और यूरेनस नहीं हो सकता क्योंकि जुपिटर के बाद आएगा सैटर्न, सैटर्न बीच में है अभी भी। ठीक है, तो उसमें कोई एस्टेरॉयड बेल्ट नहीं है अभी, तो बाद में क्या रुका, लास्ट वाला मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में मतलब बहुत बोलते हैं कि वो एक पहले प्लेनेट था जो टूट गया और अभी बहुत सारा एस्टेरॉयड बन के मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा है, और उससे कभी कभी एस्टेरॉयड जुपिटर का ग्रेविटी निकाल के कभी कभी इंडिया में आते हैं, अर्थ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर ECG, वो मूवी में दिखाता है ना, टीट करता रहता है मरने से, पूरा फ्लैट लाइन हो जाता है, वो चीज होता है तुम लोगों का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वो क्या मेजर करता है तुम लोगों का, जो हार्ट का पल्स होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, मतलब एक स्पार्क से चलता है, इसीलिए पेसमेकर डालते हैं वो स्पार्क, अगर हार्ट वीक हो जाता है तो पेसमेकर वो स्पार्क जिंदा रखता है।
तो हार्ट बीट में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है थोड़ा सा उसका रेडिएशन वो लोग चेक करता है ईसीजी के थ्रू, ठीक है। और यूएसबी तुम लोगों को पता ही है यूएसबी किस में काम आता है, यूएसबी टाइप बी बोलो, यूएसबी टाइप सी बोलो, यूएसबी यूनिवर्सल बोलो। लेकिन एक चीज हमें याद है, अगर भूल भी गए पहला चीज हमेशा यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल का कितना है, यूनिवर्सल सीरियल यूनिवर्सल सेकेंडरी, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये समझाने वाला कुछ है नहीं, ये तो फैक्ट है, डायरेक्ट एक्रोनिम है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कंप्यूटर नेटवर्क WAN, ठीक है। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क ऐसा कुछ चीज नहीं है, वाइड एरिया नेट तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है। वायरलेस एरिया नेटवर्क ऐसा भी कुछ चीज नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक जैसे कि पर्सनल ऑफिस हुआ, ऑफिस में मतलब पूरा ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए एक वाइड एरिया नेटवर्क पर्सनल नेटवर्क टाइप का होता है, तो उसको हम लोग WAN भी बोलते हैं। WAN मतलब क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विच अमंग फॉलोइंग इज रिसेंटली ग्रांटेड GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम बिहार, मतलब वो प्रोडक्ट में हमेशा लिखा रहेगा दिस आइटम इज सर्टिफाइड फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। सो कौन सा क्वेश्चन है, मिथिला मखना मगही मतलब मगधी बीटल मगधी पान, उसको पहले ही GI टैग मिल चुका है, और शाही लीची भागलपुर का उसको भी पहले ही मिल चुका है। कतरनी राइस अभी तक GI टैग शायद नहीं मिला, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये है मिथिला मखाना। मखाना मतलब वो जो पता है ना, जैसे कि लोटस का सीड होता है उसको फुला के पॉपकॉर्न जैसा बनाता है मखाना, मिथिला मतलब मिथिला से जो मखाना बनता है उसको GI टैग दिया गया है रिसेंटली, ठीक है। और ओवर 5 लाख ऑफ द फार्मर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द डिसीजन, क्योंकि उन लोगों का एक्सक्लूसिव राइट होगा इसको कल्टीवेट करने के लिए। और नेक्स्ट तो तुम लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छे से पता होगा, रोंगहोन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और रिसेंटली एक तुम लोगों का क्वेश्चन, लिंथोई चनम्बम उसका एक किस फील्ड के साथ वो रिलेटेड है, ये सब करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिकेट तो है नहीं, फुटबॉल में तो इंडिया अभी बैन में ही था तो फुटबॉल भी चांस नहीं है, तो जूडो या फिर नन। लेकिन रिसेंटली जो जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें 16 साल का लिंथोई चनम्बम, बस 16 साल का, 57 kg कैटेगरी में इंडिया का आज तक का सबसे पहला मेडल इन जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप, पहला मेडल लाया, एंड शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, ठीक है। ये वाला तुम नाम याद रखना, स्टेट विशेष में आ सकता है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट पर्सन टू क्लीच द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट टाइटल, ये बहुत रिसेंटली हुआ है, हम लोग का नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया उसको मिला है। डायमंड लीग मतलब वो इनवाइट ओनली एक होता है जो मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स जो होता है उसका टॉप टायर का कंपटीशन होता है, सब में से गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाते हैं, एकदम टॉप टॉप प्लेयर को बुला के उन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, और ये इंडिया का पहला ये है डायमंड लीग मेडल। नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट टाइटल, ठीक है। माउंट च्यूमो ये कहाँ पे लोकेटेड है, और माउंट क्यारिस सतम ये जो माउंटेन है ये कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है। और रिसेंटली तुम लोग शायद देखे हो सोशल मीडिया में बहुत बर्ज हो रहा है, क्या जॉयमाला, तुम लोग फॉलो करते हो कि नहीं पता नहीं, एक हाथी असम के हाथी जिसको बोल रहा था कि तमिलनाडु में बहुत टॉर्चर कर रहा है, तो उसके लिए हम असम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर ने एक टीम भेजा था, लेकिन बाद में पता चला जो उसका वीडियो वायरल हो रहा था वो एक्चुअली बैंकॉक का किसी अलग ही मंदिर का वीडियो है, और जो जयमाला है वो एक्चुअली अभी अच्छे से ही है तमिलनाडु, और वहां का लोकल उसको प्यार करती है और आने नहीं दे रही है, तो इसीलिए जो टीम गया था उन लोग को रिसेंटली कल वो टीम फिर से वापस आ गया, तो जयमाला ये एक एलिफेंट है, ठीक है। ए नेचुरल फिनोमिनन That becomes harmful due to pollution is global warming. वो natural phenomenon नहीं, मतलब natural नहीं है, उसको आदमी create किया गया है आदमी से. Ecological balance, ये pollution की वजह से harmful तो नहीं हो जाता है, खुद को harm होता है, ecological balance को harm होता है, rather than it becoming harmful. Okay?
एंड डिजर्टिफिकेशन ऑलरेडी हार्मफुल है तो पॉल्यूशन का जरूरत है नहीं। तो क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है, वो जो सन का रे आता है उसको आने के लिए परमिशन देते हैं, मतलब परमिट करते हैं, लेकिन लौट के जाने नहीं देते हैं। और वो काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर मॉलिक्यूल, वो सब मिलके आने तो देते हैं लेकिन हीट लौट के नहीं जा सकता है। इसीलिए अर्थ का जो एरिया मतलब सरफेस है वो अभी भी क्या बोलते हैं इसको, हैबिटेबल है, ठीक है। मतलब अभी अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं कि वो खराब है, लेकिन वो नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होता, बिलो हैबिटेबल लेवल में जाता और कोई लाइफ सर्वाइव नहीं करता। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बढ़ गया है और इसीलिए हीट बढ़ गया है एंड दिस लेड अस टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो डीकम्पोजर्स में तुम लोगों का क्या क्या होता है, मतलब लास्ट लेवल मतलब फूड चेन जो होता है, जो मतलब हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाता है, कार्निवोरस को टॉप ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर खाते हैं, और एपेक्स प्रेडेटर जब मरता है या फिर कोई भी ट्री हो जो भी मरता है उसको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। मरने के बाद बोलते हैं ना मिट्टी में मिल जाते हैं सब, मिट्टी में कौन मिलाता है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन याद रखना, मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर। तो बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर अलग है, वो तुम लोगों का वाटर प्रेशर ये सब देखते हैं, ठीक है, मैनोमीटर और बैरोमीटर देखते हैं। और एनीमोमीटर से क्या चेक करते हैं सर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हाँ, एनीमोमीटर से क्या था, करंट आ गया, विंड हाँ, वो तुम जो बोले वो एमीटर है, एमीटर, ठीक है, करंट वाला एमीटर, वोल्टमीटर, वो सब था ना फिजिक्स के लैब, अगर साइंस के होगे तो फिजिक्स के लैब में मिला होगा हाई सेकेंडरी में, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और तुम लोग ये सब याद रखना, ठीक है। हाइग्रोमीटर वाटर मतलब अमाउंट मेजर करता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एनीमोमीटर, ये सब प्रीलिम्स का एपीएससी हो या फिर एपीपीएससी हो, सब में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, मैं जब पहली बार देखा ये क्वेश्चन डायरेक्ट, पहला फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट डायरेक्ट देखा और बासंती पाल लगा, क्योंकि वो पहला था मतलब इंडिया से, लेकिन ट्वाइस, दो बार कौन उठी, वो है संतोष यादव, ठीक है। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है, 1992 और 1993। सो नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ गांधीयन थॉट, पॉलिटिकल कैंपेन, ठीक है, देखते हैं उससे बेटर स्टेप में मिलता है कि नहीं, सोशल मूवमेंट उससे भी बेटर मिलता है कि, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिलीजन एंड मोरलिटी। गांधी ऑल्दो ही वाज अ रिलीजियस पर्सन बट ही नेवर ट्राइड टू इम्पोज रिलीजन ऑन अदर पीपल, सो ये वाला हम लोग काट देते हैं, लेकिन मेन चीज जो था उसका फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, वो ही चाहता था स्वराज, मेन जो उसका आइडियोलॉजी था गांधीज नोशन ऑफ स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अमीर खुसरो कवि और हम लोग का इंडिया मतलब फेमस पोएट जिसको बोलते हैं, वो अकबर के टाइम पे नहीं है हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि वो अब्दुल रहीम खान ई खानम था, ठीक है, अकबर नहीं है। शाहजहां में पोएट कोई फेमस था नहीं, बस एक था अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने पातशाहनामा लिखा था, लेकिन वो इतना भी फेमस नहीं है, ठीक है। और इब्राहिम लोदी वो बिल्कुल भी आर्ट वार्ट के फेवर में नहीं थे, उसको अपना किंगडम नहीं संभाल रहा था, सो वो पोएट कवि वो सब में उसका ये नहीं था, और रिलेटिवली स्टेबल पीरियड था अलादीन खिलजी में, सो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, तुम लोगों को कुछ डाउट होने से मुझे रोक देना, ठीक है, कहीं पे रोकना है तो। इन द ईयर 1905 गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आंसर यही है, लेकिन बाकी बता देते हैं, ब्राह्मो समाज ये तुम लोग को पता है, राजा राममोहन रॉय, और भारत सेवक समाज, ये वाला ये दोनों मैं भूल गया, मैं अभी चेक करके बताता हूँ।
फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी था विलियम जोन्स, और भारत सेवक समाज का था गुलजारीलाल नंदा और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये दोनों थे। लेकिन ब्राह्मो समाज मुझे पक्का याद है राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे शुरू हुआ था, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया वन ऑफ द मतलब कांग्रेस आने के बाद भी जितना ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें से ये एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। नेक्स्ट आता है गांधीयन फिलोसॉफी का एक और क्वेश्चन। गांधी जी बिलीव दैट सत्याग्रह द सीकिंग ऑफ ट्रूथ इज अ वेपन ऑफ पोर, कभी नहीं बोलते वो बात, वो वीक के लिए कभी नहीं बोलते, अनटचेबल के लिए तो बोलता ही नहीं। उसका मेन चीज जो था कि देखने में से हम लोग को लगता है कि सत्याग्रह फॉर द वीक पर्सन जो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मतलब मार खाने के बाद कॉन्टिन्यूअसली रिप्रेस्ड होने के बाद भी जो आदमी लाइक ए फिनिक्स कैन राइज फ्रॉम इट्स एशेस ओनली फॉर दोज पीपल द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पीपल इज सत्याग्रह। जब तक आंखों के सामने रिजल्ट ही नहीं मिल रहा फिर भी वो आदमी कॉन्टिन्यूअसली अपने मत पे टिका हुआ है, तो वो आदमी के लिए है सत्याग्रह द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट एक जनरल क्वेश्चन है, नाबार्ड के जनरल मैनेजर श्री पार्थो शाह इनोग्रेटेड ए पेंगू रूरल हार्ट इन मुडन तागे विलेज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तुम लोगों का लोअर सुवनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पतंजलि। पतंजलि मतलब ये रामदेव वाला, बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि मतलब जो हम लोग का एक फिलोसॉफी था योगा स्कूल, ठीक है, योग मतलब जिसमें योग हम लोग प्राणायाम ये सब का प्रमोट करते थे, एक फिलोसॉफिकल स्कूल था, उसका मेन जो बुक था योग सूत्र, और योग सूत्र का बुक किसने लिखा था, पतंजलि। पंचतत्व लिखा था पंडित विष्णु शर्मा ने, और ब्रह्म सूत्र मुझे जितना तक याद है वो बृहस्पति मतलब वो एक मिथोलॉजिकल बुक है, ठीक है, उसका अभी भी मतलब ये नहीं मतलब एक्सेल राइटर कौन लिखा था, सो उसको जो ट्रांसलेट किया था उसको ब्रह्म सूत्र, वो एक्चुअली क्या बोलते थे मिथोलॉजिकल बुक थे, बृहस्पति से बदरायन एक ऋषि थे उसने किया था, ठीक है। Which of the following presidents of America abolished slavery? वो है सर थॉमस जेफरसन, बोलो। पंचतंत्र का सर क्या कंपोजिशन क्या था, उसमें क्या था कुछ स्टोरी बुक नहीं पढ़े थे वो पंचतंत्र, एनिमल वगैरह वो सर, अच्छा हाँ हाँ वो जो जैसे कि मतलब वो मॉरल स्टोरीज था एक्चुअली, ठीक है, मतलब किंग के प्रिंस जो थे उन लोगों को समझाने के लिए, वो पंडित विष्णु शर्मा था उसका जो राइटर था उसने लिखा था ये किताब, ठीक है, मॉरल स्टोरीज मतलब। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका एबोलिश स्लेवरी। जॉर्ज वाशिंगटन तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन के घर में खुद स्लेव थे, तो वो तो एबोलिश नहीं कर सकते। थॉमस जेफरसन उस वो भी नहीं था, लेकिन इसको किया था अब्राहम लिंकन ने, वो इसलिए उसको मतलब जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था नॉर्थ और साउथ के बीच में, मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स वर्सेस कॉन्फेडरेट्स कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज, जो कॉटन ग्रो करते थे इन लोगों को स्लेव का जरूरत था, तो वॉर में नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स जीत गए, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अब्राहम लिंकन ने जो ब्लैक पीपल थे और जो स्लेव थे उन लोगों को ये कर देता है, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया, उन लोगों को भी सिटीजनशिप राइट दे दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, उत्तराखंड के लिए देहरादून जो है, मिजोरम के लिए वो क्या है? उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, तो मिजोरम का कैपिटल हम लोगों का क्या है? आइजोल, ठीक है। तो अभी तक सब समझ में आ गया।